हर रोज की तरह आज भी एमआई की टीम की ओर से काफी सारे अपडेट बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के ट्रेड प्लेयर्स की तरफ से निकल कर आया है। दरअसल आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले अभी जो ट्रेड विंडो खुली हुई है उसमें अभी तक किसी भी फ्रेंचाइजी ने एक भी ट्रेड नहीं किया है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम लगातार ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। कोई भी खिलाड़ी को एमआई की टीम लगातार ऑफर दे रही है और प्रपोजल दे रही है आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को। और एमआई की टीम की ओर से दो और नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जिनसे क्या एमआई की टीम ने कॉन्टैक्ट किया, तो उन दोनों खिलाड़ियों के नाम मैं आपको फटाफट इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर पहले खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है मार्कस स्टोइनिस। जी हाँ दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस आईपीएल 2022 के सीजन में लखनऊ की टीम का हिस्सा थे और मुंबई इंडियंस की टीम ने मार्कस स्टोइनिस को ट्रेड का प्रपोजल दिया है, या फिर कह ले लखनऊ की टीम को मार्कस स्टोइनिस की ट्रेड के लिए प्रपोजल दिया है। और दोस्तों एमआई की टीम ने प्रपोजल दिया है मार्कस स्टोइनिस को, तो एमआई की टीम इंटरेस्टेड है मार्कस स्टोइनिस की ट्रेड के लिए। और दोस्तों अभी तक के लखनऊ की टीम से जवाब नहीं आया कि वो लखनऊ की टीम मार्कस स्टोइनिस को ट्रेड करना चाहती है या फिर नहीं, लेकिन ये दोस्तों देखने वाली बात रहने वाली है कि लखनऊ की टीम मार्कस स्टोइनिस को छोड़ती है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों लखनऊ की टीम के लिए मार्कस स्टोइनिस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हो सकता है कि मार्कस स्टोइनिस को लखनऊ की टीम रिलीज ना करे ना ही ट्रेड करे। अब मुंबई इंडियंस की टीम का काम था प्रपोजल देना, अब स्टोइनिस आती है या फिर नहीं वो तो टाइम पर ही पता चलने वाले। और अगर दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है रजत पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, रजत पाटीदार जैसे युवा खिलाड़ी को बीएमआई की टीम अपनी टीम में ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, और आरसीबी की टीम को भी पाटीदार की ट्रेड के लिए एमआई की टीम ने ऑफर दिया या फिर कहले प्रपोजल दिया है। दोस्तों रजत पाटीदार आरसीबी की टीम में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आए थे और काफी अच्छा परफॉर्मेंस का 2022 में रहा था रजत पाटीदार का, तो एमआई की टीम इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए पाटीदार को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है और ये ट्रेड हमें होते हुए नजर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, रजत पाटीदार अभी आरसीबी की टीम का हिस्सा है और अगर आरसीबी की टीम को एमआई की टीम प्रपोजल दे देती है, अच्छा खासा प्रपोजल दे देती है, तो हमें रजत पाटीदार एमआई की टीम में ट्रेड होते हुए दिखने वाली है। और फिर हमें आईपीएल 2023 के सीजन में या फिर फ्यूचर में एमआई की टीम की ओर से रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आने वाली है। रजत पाटीदार की जहाँ तक बात की जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये खिलाड़ी करता है, युवा खिलाड़ी है, तो एमआई की टीम इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आईपीएल 2022 के सीजन के इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। तो दोस्तों हमें रजत पाटीदार या फिर मार्कस स्टोइनिस इन दोनों खिलाड़ियों में किसी एक खिलाड़ी की एंट्री होते हुए एमआई की टीम में नजर आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते और फटाफट बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। ये बड़ा अपडेट है एमआई कैप्टन के खिलाड़ी कगिजो रबाडा की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों एमआई कैप्टन की टीम ने कगिजो रबाडा को अपनी टीम में शामिल कर लिया है और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट सीरीज शुरू है उसका पहला मैच खेला जा रहा था और रबाडा ने 3 विकेट लिए साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, तो काफी अच्छी खुशखबरी रहने वाली है एमआई कैप्टन के लिए क्योंकि रबाडा काफी कमाल के फॉर्म में चल रहा है और यह एमआई कैप्टन को मिनी आईपीएल 2022 का फाइनल भी जिताते हुए देख सकते हैं। कगिजो रबाडा का भी काफी अहम रोल रहने वाला है एमआई कैप्टन के लिए। तो दोस्तों काफी बड़े अपडेट है एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रहे थे, तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।